नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना हम इस टाइम एक 9-10 बजे के बीच वीडियो पोस्ट करते हैं, जिसमें आपको ये बताते हैं कि आज कॉटन की फसल में क्या कुछ रहने की संभावना है। हालांकि अपने चैनल पर आपको रोज़ाना तेजी मंदी व मंडी भाव मिलते रहते हैं, शाम के टाइम भी एक वीडियो पोस्ट करते हैं कि अंदाजन सुबह क्या कुछ है रहने वाला है। लेकिन बात यह है कि साथियों, कल शनिवार और रविवार दो दिन NCDEX अपना डब्बा जो था बंद था और अब ओपन हुआ है। तो ओपन जो है US कॉटन की अगर मैं बात करूं तो US कॉटन में हालांकि थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, और खल बिनोड़े की अगर मैं बात करूं तो खल बिनोड़े भी डाउन नहीं है। लेकिन US कॉटन की बात करें तो तेज़ी है, लेकिन अपने बात करें NCDEX की तो NCDEX में हल्की सी मंदी हमें देखने को मिली है। लेकिन जो ये मंदी हमें अभी देखने को मिल रही है, ये बाज़ार में इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मंदा नहीं है। 37,650 रुपये अभी भी कपास के NCDEX के अनुसार भाव है। यानी कि अगर मंदा भी रहता है तो जो अपने शनिवार को भाव देखने को मिले वो भाव तो अब की स्थिति के अनुसार हमें मिलने चाहिए। बात करें हम शुक्रवार की तो शुक्रवार के मुकाबले हालांकि थोड़ा डाउन है, लेकिन इतना भी डाउन नहीं है कि आपको ज़्यादा मंदी आज देखने को मिले। तो बड़ी तेज़ी मंदी आज नहीं रहेगी, लगभग वही भाव रहेंगे जो हमें शुक्रवार और शनिवार या उससे एक दो दिन पहले मिले हैं। और इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो अभी तक तो उम्मीद यही रहेगी कि इस हफ्ते में यही भाव रहने की संभावना, या हो सकता है थोड़ी बहुत तेज़ी आ जाए।